महज कुछ दिन पहले की बात है जब कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे थे, पर अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हालत यह, पुलिस के पहरे में वैक्सीन लगवाई जा रही है। दरअसल वैक्सीन सेंटरों पर व्यवस्था जमाने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ रहा है। बुधवार को उज्जैन में कई वैक्सीन सेंटर पर इस तरह की भीड़ दिखी। यहाँ कई स्थानों पर तो भीड़ की वजह से लोगों की झूमाझटकी तक हो गई। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस तक को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर व्यवस्था बनी और लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी। उज्जैन की महिला आईटीआई में इसी तरह का नजारा दिखा। यहां वैक्सीन का सेकंड डोज लगवाने के लिए महिलाओं और पुरुषों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि थाने से पुलिस बुलानी पड़ी। अभी क्या टाइम हो गया? 5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। वैक्सीन के लिए नंबर लगा रहे हैं, सुबह 7 बजे से खड़े हैं, उसके बाद भी हमको बाहर कर दिया तो हम हारा पीटी कर रहे हैं। हमारा आपके साथ यहाँ विवाद हुआ? विवाद हुआ, दो जन को पकड़ के भी ले। अच्छा। और मुंह पे जाने बाद में ये खुद अंदर वाले नाटक कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पहले वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तुमको जो करना कर लो। मुँह पे आके एंट्री करने के बाद भी सर ऐसे नाटक कर रहे हैं, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। आई थी औद्योगिक सेंटर से कंट्रोल रूम के जरिए कि ये महिलाएं वैक्सीनेटर सेंटर पर लाइन कतार लगने को लेकर विवाद कर रही हैं, तो यहाँ लाइन अटर की स्थिति क्रिएट हो रही थी। तो हम लोग आए थे, देखा, फिर लाइन से महिलाओं को लगाया, जेंट्स को भी लाइन से लगाया। अभी क्या है कि लाइन से लगे हुए हैं लोग और वैक्सीनेशन चल रहा है। तो अभी भी लोगों की भीड़ है, जो गाइडलाइन का पूरा कोई पालन नहीं हो रहा, लोग बिल्कुल एक दूसरे पर लूम रहे हैं, तो ये इस तरह की स्थिति को कैसे रोक? नहीं नहीं, द्वारा कॉल किया गया कि भीड़पाड़ी बिलीगंज आए, तो भीड़पाड़ी बिलीगंज में मैं और भैया आए थे और व्यवस्थित लाइन को लगाया गया। लाइन लगाने के दौरान समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, लेकिन उसमें एक परिवार की एक लेडीज़ और दो उनके बच्चे थे, उनके द्वारा क्या है कि जनता को भ्रामक जानकारी देते हुए कि यहाँ पे पहले क्या आएगा कि वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जहाँ तक कि ये तो गलत है, ये अपन लोग भी जानते हैं। उसी के बाद उनको समझाइश देने के बाद उन लोगों ने क्या है कि जनता को भ्रमक करा कि आपको क्या है कि अंदर की तरफ चलिए सभी लोग, वो सभी लोगों को अंदर उनने कार्यालय में पहुँचा दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या व्यवस्थित बाहर करा और उनको मना करा कि ऐसी भ्रामक जानकारी आप नहीं दें। उसके बावजूद भी उन लोगों ने क्या है कि पुलिस के अपने जो हेड कांस्टेबल जानी कुशवा जी थे, उनके साथ क्या है यूमा झटकी करी और उनको धक्का मुक्की करी, समझाने के बावजूद भी नहीं माने। और उनकी माता ही द्वारा भी क्या पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उसके लिए क्या है कि DCR की मदद से उन लोगों को थाने पर पहुँचाया गया है और परिजनों को बोला है कि आप भी थाने पर जाकर ये इस बात को समक्ष बात करें और इस चीज़ का कितने लोग करेंगे।